हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस कंप्यूटर सामान्य विज्ञान में। कंप्यूटर से संबंधित जीके लेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो पूर्व के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। इसको मैं एक साथ हर जगह जहाँ से पूछा है, आर्मी, पुलिस, SSC, ग्रुप सी, IAS, PCS, इसको मैंने कलेक्ट करके एक जगह संकलित किया है। और संभावित प्रश्न ये यही आने वाले इन्हीं में से पूछते हैं, तो इस अपील के साथ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को और उन सबको जो आपके करीबी हैं, दोस्त हैं, ग्रुप वाले, सबको शेयर कीजिए। नॉलेज को जितना बढ़ाइए उतना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ऊपर वाला आपको देगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर साइंस विज्ञान। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर GK MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IAS, PCS, NET, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, SSC, CGL, TET, BEd, LT, लेक्चरर, अदर। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। सही उत्तर है ए, मशीनी भाषा। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, मॉडेम, कोबोल। मॉडेम, पास्कल, जावा, कोबोल कंप्यूटर की भाषा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, जावा। डी, जावा। इंटरनेट पे जावा है। निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? CPU, LAN, RAM, USB। LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। WLL का पूर्ण नाम क्या है? वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वर्किंग लैंड लाइन, वायरलेस वाइड लैन। सही उत्तर है वायरलेस इन लोकल लूप। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1996 में, 1998 में, 1995 में, 1998 में। सही उत्तर है 1995 में। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग, आर टॉम लिंकसन। सही उत्तर है आर टॉम लिंकसन। फ्री ईमेल हॉटमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया, बिल गेट, पॉल एलन, इनमें से कोई नहीं। सबीर भाटिया। बिट का तात्पर्य क्या है? बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर का प्रकार, कीबोर्ड का प्रकार। बाइनरी डिजिट, बिट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर। सी, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? शिक्षा में, व्यवसाय में, फोटो बनाने में, मैथ में। मैथ में फोर्ट्रॉन। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फोर्ट्रॉन, कोबोल, मॉडेम, कोबोल। मॉडेम पहले भी गुजर चुका है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? परिगणक, संगणक, गणना करने वाला, लिखने वाला। संगणक। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 10 से 24 बाइट, 10 से 24 गीगाबाइट, 10 से, इनमें से कोई नहीं। 10 से 24 बाइट। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया, कंप्यूटर भाषा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सी। कंप्यूटर स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स में, एम्पियर में, मेन्यू में। बिट्स में। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट इनपुट दोनों, कोई नहीं। आउटपुट मॉनिटर आउटपुट जो कंप्यूटर का फिजिकल मटेरियल जो है सामने जो दिखता है कंप्यूटर, वो क्या है? मॉनिटर कहलाता है, वो आउटपुट है। जावा भाषा का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, सन माइक्रो सिस्टम ने, आईबीएम ने, इन्फो सिस्टम ने? सन माइक्रो सिस्टम ने। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? सीडी द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, प्रिंटर द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा? प्रिंटर द्वारा। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल। फोर्ट्रॉन बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में, बाइट में, मीटर में, मिलीमीटर में? बाइट में। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? स्टोरेज से, लॉजिक से, इनपुट से, कंट्रोल से? स्टोरेज से। स्टोरेज करते हैं ना मेमोरी में, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? नेटवर्क पोर्ट का, यूएसबी पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का, इनमें से कोई नहीं। यूएसबी पोर्ट। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे। कमांड हासिल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जम के। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 1946, 1950, 1965, इनमें से कोई नहीं। 1946 भारत के आजाद होने से एक साल पहले। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, मॉनिटर, माउस, मॉडेम। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स? क्रोम इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन ब्राउजर नहीं है? गूगल ऐप, ओपेरा, विवाल्डी, मोजिल्ला फायरफॉक्स? गूगल ऐप इज नॉट ए ब्राउजर। वीमैक्स किससे संबंधित है? वीमैक्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, संचार प्रौद्योगिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से, मिसाइल प्रौद्योगिकी से? संचार प्रौद्योगिकी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां हुआ था? पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में? ए पुणे में। पासे परम, पासे पुणे। विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? एनियत, अबेकस, उपर्युक्त सभी? अबेकस। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, उपर्युक्त सभी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पावर सेविंग, अन इंटरनेट पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्चिंग, यूनिवर्सल पावर सर्विंग? सही उत्तर है अन इंटरनेट पावर सप्लाई। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? प्रोग्राम, कंप्यूटर पेज, डेस्कटॉप, नेटवर्क? डेस्कटॉप, जिसको मॉनिटर कहते हैं। प्रथम कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, वेलिंगटन ने, जैक किल्बी ने? चार्ल्स बेबेज, दैट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, दिल्ली?
बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली इन इंडिया। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेट, एनिएट, परम, मार्क। सही उत्तर है बी, एनिएट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक, बर्क। सीडैक। इंटरनेट कार्य करता है सर्किट स्विचिंग पर, पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडियो, सीपीयू, मॉडेम, यूनिक्स। मॉडेम जोड़ती है, मॉडेम। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? नंदन नीलकेनी जैन, विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भाटकर। याहू, गूगल एवं MMN क्या है? कंप्यूटर ब्रांड, सर्च इंजन, कंप्यूटर भाषा, इनमें से कोई नहीं। सर्च इंजन, इससे सर्च करते हैं, ढूंढते हैं आइटम। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड, कुंजी का बटन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। कुंजी का पटल। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट, मैन, लैन, वैन। इंटरनेट। HTM का पूरा नाम क्या है? HTM का डायरेक्ट आंसर देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU का पूरा नाम क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। WWW का पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? हॉटमेल, याहू, रेडिफमेल। सभी हॉटमेल, याहू, रेडिफमेल। तो ये रहा कुल मिलाकर के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, और आने वाले प्रश्न है ये। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट है ये, आउटपुट। कंप्यूटर मशीन एवं कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, अंदर होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में बांटा जा सकता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? अस्थाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है वो अस्थाई होता है। लघु घनक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। कंप्यूटर के किस भाषा को शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं? पास्कल। चयनित वस्तु को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1947। नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गिब्सन ने। कंप्यूटर की किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? फोट्रॉन, पास्कल, बेसिक। सभी को फोट्रॉन, पास्कल और बेसिक, ये तीनों हैं नींव का पत्थर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीम प्रेमजी। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट पर, यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। निम्न में सेकंड मेमोरी के उदाहरण हैं? सीडी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। सभी जो भी सेकंड मेमोरी एक्स्ट्रा लगता है वो सेकंड मेमोरी कहलाता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डेटा लिंक लेयर। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। इंडेक्स हाल किससे संबंधित है? इंडेक्स, फ्लॉपी डिस्क से। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल, माउस, मॉनिटर। एक्सेल नहीं है, एक्सेल। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आसान आसान सवाल आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अगर आप 4-5 बार सुन लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर वायरस का क्या आशय है? विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? 2 अंकों की। बाइनरी का मीनिंग ही होता है 2। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? अमेरिका। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर राज रेड्डी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? 1960। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 15। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1989। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? कॉम्पाइलर, कॉम्पाइलर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन होता है? लेजर प्रिंटर। बहुत तेजी में प्रिंट करता है, बाकी प्रिंटर उतनी तेजी से नहीं कर पाता है, ये है लेजर प्रिंटर। लान का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। रोम का विस्तृत रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आईबीएम का पूरा नाम? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर ऑक्टो की त्रुटि कौन प्रदर्शित करता है? बग, बग। वैन का पूर्ण नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये रहा कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये सारे प्रश्न आम तौर पे पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसको आप बार बार 100 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रट जाइए एक एक पॉइंट को, और मोस्टली इसी से क्वेश्चन बार बार उलट फेर करके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, सब चीज का प्रैक्टिस सेट हमने तैयार कर दिया है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सफल होंगे, अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर आपको याद हो गए तो। थैंक यू। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट, इंट्रोनेट, सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट कंप्यूटर डाटा को किसमें परिवर्तित करता है? वायरस में।
फाइल में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में। इंफॉर्मेशन में सी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? बोर्ड जो होता है मदरबोर्ड, कैच मेमोरी, प्रोसेसर, उपयुक्त सभी। मदरबोर्ड ए भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? लवबग, सी ब्रेन, ट्रोजन, लोटस। सी ब्रेन, इनके नाम बड़े खूबसूरत हैं, पर ये वायरस है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट, शट डाउन, रिफ्रेश, शट अप। शट आउट, शट डाउन, सॉरी शट डाउन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर। 2 दिसंबर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, अमर उजाला, सहारा। दी हिंदू इज द बेस्ट न्यूज पेपर। अगर आईएएस की तैयारी करने पीसीएस की तो दी हिंदू पढ़िए। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? ईमेल के लिए इनबॉक्स, आउटबॉक्स, मेल बॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स, मेल बॉक्स। इंटरनेट स्पीड का मापन कौन करता है? उकला, जावा, गीगा, मेगा। उकला इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में, 1991 में, 1995 में, 1996 में। 1989 में WWW का आविष्कार हुआ था। लोटस 1 2 3 क्या है? रिकॉर्डों का संग्रह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें सभी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम, एंटी प्रोग्राम, मेन्यू सूची, माउस का प्रकार। प्रोग्राम BIT का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी डिजिट, बिट डिजिट, बाइट डिजिट, इनमें से कोई नहीं। बाइनरी डिजिट बिट। कुंजी का पटल किसे कहा जाता है? कुंजी का पटल CPU को, माउस को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड जिस पे आप हाथ चलाते हैं, कुंजी का पटल कहते हैं कीबोर्ड को, हिंदी में कुंजी का पटल। पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया था? IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, रिलायंस ने, उपयुक्त सभी। पावर पॉइंट जो अपना बना लेते हैं और फिर पावर पॉइंट से दिखाते हैं सामने में कंप्यूटर पे अपने वर्ड्स को, अपने लेक्चर को, माइक्रोसॉफ्ट में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कंप्यूटर का प्रकार, इंटरनेट सर्विस, मॉनिटर का प्रकाश, माउस। इंटरनेट सर्विस है WWW। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कुंजी पटल, माउस पटल, डेस्कटॉप, कीबोर्ड। डेस्कटॉप या मॉनिटर भी कह सकते हैं आप। मैन का पूर्ण रूप क्या है? MAN, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, मल्टी नाम नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट नेशनल नेटवर्क, माइक्रो एरिया नेटवर्क। मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, अलॉन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, पास्कल ने, JP एकॉर्ट ने, इनमें से कोई नहीं। पास्कल। चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? चांदी की, मैग्नीशियम की, आयरन ऑक्साइड की, तांबे की। आयरन ऑक्साइड की। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए क्या प्रयुक्त होता है? लॉन, CPU, WAN, DOS। लॉन लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट, साइट आउट,
आउटसाइड। लॉग आउट, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? लैन, वैन, इंटरनेट, अपरयुक्त सभी। इंटरनेट पूरे विश्व को जोड़ता है, जोड़ने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर डेटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन, माउस इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में किस व्यक्ति ने दिया था? सी लिकलाइडर, मार्क जुकरबर्ग, दोनों कोई नहीं। सी लिकलाइडर। यूट्यूब का प्रारंभ किसने किया था? जॉर्ज ही, स्टीव चेन, जावेद करीम, उपर्युक्त सभी। तीनों ने जॉर्ज ही, स्टीव चेन, जावेद करीम, ये तीनों मिलकर के यूट्यूब का प्रारंभ किया था। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स शेयरवेयर, कॉमर्शियल, ओपन सोर्स। कुछ चीजें याद करनी है क्योंकि हर बात कंप्यूटर की आप और हम नहीं जानते हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसको याद करना है। और 90% तो आप जानते हैं। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकेंड कितनी गणना कर सकता है? करोड़ों, सैकड़ों, हजारों, कोई नहीं। करोड़ों कर सकता है एक सेकेंड में। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट अप, शट डाउन, रिफ्रेश, कोई नहीं। बूट अप। लोटस क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर, मोबाइल। कंप्यूटर। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3, 6। दो। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सभी इनपुट हैं। इनपुट। माउस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, जोएल बेयर्ड, इंजल बार्ट, चार्ल्स बेबेज। इंजल बार्ट माउस। यूपीसी का पूर्ण रूप कौन सा है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल पर्सनल कोड, यूनिवर्सल पासवर्ड कोड, इसमें से कोई नहीं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, पॉइंटर, कर्सर, हार्ड ड्राइव। कर्सर, सी कर्सर, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। प्रकाशीय ड्रम, लेजर बीम, आवेशित स्याही टोनर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, प्रकाशीय ड्रम, लेजर बीम और आवेशित स्याही टोनर सब इस्तेमाल होता है। IBM है एक पिच, एक कंपनी, एक डिवाइस, कंप्यूटर का प्रकार। कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा, चार्ल्स बेबेज, एप्पल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। लेडी एडा अगस्टा प्रथम प्रोग्रामर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, दिल्ली। बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली इन इंडिया। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेट, एनियट, परम, मार्क। सही उत्तर बी, एनियट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सी डेक, बर्क। सी डेक।